निकलने के बाद। अरे पूरा, हाँ मतलब हाथ में प्रॉब्लम है या और ऐसे नहीं है ना। काम करिए, ये ले लो 100 रुपये आप। क्या भैया आप धीरे धीरे करते हैं। अच्छा, जैसे कि तुम्हारा जैसे जल्दी जल्दी होता है। ए भाई साहब, चाय वाले, चाय पिलाओगे? शहर में आए मुसाफिर की तरह। तो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है नवीन जर्नी। तो मैं अभी आ चुका हूँ कुर्ला रेलवे स्टेशन पे, यानी LTT। तो चलिए आज का नया सफ़र स्टार्ट करते हैं। आज का ये जो ब्लॉग है वो है 12167 मुंबई बनारस एक्सप्रेस से। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म पे और इसके आगे की जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। और आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आपका जो भी विचार है, जो भी सुझाव है, कमेंट करके बताइए। मैं अभी हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे और ये मेरे सामने है आपका ट्रेन, यानी जिस ट्रेन से आज मैं सफ़र करने वाला हूँ, मुंबई LTT बनारस सुपर फास्ट एक्सप्रेस। चलिए मैं आपको इस ट्रेन के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूँ। यह ट्रेन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे यानी डेली चलती है LTT कुर्ला से बनारस। पहले यह ट्रेन मडुवड़ी मुंबई मडुवड़ी के नाम से जाना जाता था, जिसे अभी नाम बदलकर बनारस एक्सप्रेस यानी मुंबई बनारस एक्सप्रेस रखा गया है। यह ट्रेन लगभग 1500 किलोमीटर की जर्नी 12 स्टेशनों पर रुकते हुए लगभग 27 घंटे में यह अपना पूरा जर्नी कंप्लीट करती है। इस ट्रेन का जो एवरेज स्पीड है वो है 55 किलोमीटर पर आवर और जो मैक्सिमम स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर। जो इस ट्रेन में आपको ऑनबोर्ड कैटरिंग, ई कैटरिंग और पेंट्री कार्ड की सुविधा मिलेगी। इस ट्रेन में आपको फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल कोचेस की भी सुविधा मिलेगी। इस ट्रेन को लोकेल किया गया था 29 दिसंबर 2009 को, यानी आज से लगभग 12-13 साल पहले। मुंबई मडुवाड़ी एक्सप्रेस इस ट्रेन का पहले का नाम था, जो अभी चेंज करके रखा गया है मुंबई LTT बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो आज हम इसी ट्रेन से जर्नी करने वाले हैं और मेरा जो सीट है वो B4 में 24 नंबर सीट है। तो आज मैं जनरल कोच में ट्रेवल नहीं कर रहा हूँ, आज मैं AC में ट्रेवल कर रहा हूँ। और वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि काफ़ी मेहनत से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि मेरी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी, 1-2 महीने से मैं काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा था। तो ये रहा इस ट्रेन के बारे में छोटी सी जानकारी और इसके आगे की जानकारी मैं आपको आगे देता रहूँगा। सच्ची गाड़ी में खतरे की जंजीर न खींचे, ऐसे करते हुए पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर धारा 141 के तहत 1 साल का कारावास। मुंबई बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस का डिपार्चर जा सकती है। यात्रियों से विनती है कि प्रशासन द्वारा दिए गए नियमों का अच्छी तरह से पालन करें। एकदम एग्जैक्ट टाइम 10:45 पे प्लेटफॉर्म नंबर 5 से ट्रेन छूट चुकी है।
डिफरेंस ये रहा कमायनी एक्सप्रेस जो कि अभी जस्ट पहुंचने वाली है कुर्ला स्टेशन पे। तो इस समय हो रहा है 11:04 और इस समय यह ट्रेन पहुंची है ठाणे स्टेशन पे। कुर्ला से निकलने के बाद डायरेक्ट ये जाती है कल्याण, तो शायद सिग्नल नहीं था इसकी वजह से रुकी है। तो यह ट्रेन अभी ठाणे में है और यहाँ से यह ट्रेन निकलने वाली है। तो ट्रेन ठाणे स्टेशन से निकल चुकी है, एक्चुअली यहाँ पे इसका स्टॉप है नहीं, फिर भी यह किसी कारण रुकी थी और यही समय स्टेशन से निकल चुकी है। ये रहा ठाणे स्टेशन। ट्रेन का यह पहला स्टॉप कल्याण जंक्शन। यह ट्रेन यहाँ पे 11:27 पे आती है और 11:37 पे यहाँ से यह छूटती है। तो यहाँ पे इसका 3 मिनट का हाल्ट है। आज यह ट्रेन लगभग 10 मिनट लेट है। तो इसका जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है कसारा, वहाँ पे इसका ऑफिशियल हाल्ट नहीं है, वहाँ पे अनऑफिशियल हाल्ट है, यानी टेक्निकल हाल्ट है। क्या हुआ? जलगाँव जाना है? जलगाँव नहीं जाएगा। टिकट है आपके पास? हाँ। चादू का टिकट है? पास है। तो पास है, मुझे आइडिया नहीं है, आप किसी से पूछ। तो चलिए ट्रेन ने हॉर्न दे दिया है और सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस समय सुबह के 5:45 हो रहा है और मैं इस समय हूँ भुसावल जंक्शन पे, जिसका स्टेशन कोड है BSL। यहाँ पर यह ट्रेन 5:45 पे आती है और 5:50 पे यहाँ से छूटती है, बट आज यह ट्रेन लगभग 10 मिनट बिफोर है। सर क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे सर, अभी दिन निकलने के बाद। अरे बाप रे, क्यों सर? अरे कुर्ती टूटी हुई है, ये बैठ गया। इधर बैठते थे सर। आ रहे हैं आप? नहीं, भुसावल भी काम है बिल्कुल भैया। अच्छा, नहीं आप आँख में थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ा बोले तो पूरा पूरा। हाँ, मतलब आँख में प्रॉब्लम है और अकेले हैं आप, इसलिए मैं देखा आपको, मैं सोच रहा आपसे बात। हाँ नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं, भुसावल में थोड़ा काम है मेरे को। अच्छा, थोड़ा सा खाना पीना खाया नहीं, पैसे पैसे की वजह से नहीं क्या? अच्छा, पैसे खाना भी नहीं खाए? नहीं भैया, पैसे नहीं है ना। अच्छा, इसलिए आया मैं काम के लिए थोड़ा सा। तो मेरी मिसेज की जो सर्टिफिकेट्स है दादी की, हाँ हाँ, तो सर्टिफिकेट्स के लिए आया था मैं। अच्छा, नासिक भी गया था। हाँ हाँ, नासिक से इधर आया। अच्छा, वैसे थोड़ा बहुत पैसा मैं दे दूँ आपको आने के लिए? हमें अच्छा भी नहीं लगता, मैं किसको मंगा नहीं। नहीं, वो बात बराबर है, वो बात बराबर है, क्योंकि मैं देता हूँ उसको पैसा तो। हाँ वहाँ पे मत बैठो भैया, इधर ही बैठो। अरे अभी बैठ गया। एक काम करिए, ये ले लो 100 रुपये। आप क्या भैया, आप पकड़ लो, इससे आपका एटलीस्ट एक दो टाइम का तो खाना हो ही जाएगा। दो टाइम का तो होता है? नहीं नहीं, दो टाइम का नहीं होगा, मतलब फिर भी एक मीडियम में आपका हो जाएगा। चलिए नागपुर तो कल ही जाऊंगा मैं अभी। अच्छा, यानी कि रात की गाड़ी है, समझे? दिन भर में काम हो जाता मेरा। हाँ, 11 बजे। तो आपकी वाइफ भी, आपकी वाइफ को भी नहीं दिखता? नहीं जी, उनको भी नहीं दिखता। नहीं दिखता, नहीं। अच्छा, बच्चे हैं? हाँ, एक बच्ची है। अच्छा, लड़की है? हाँ लड़की है। तो आपको तो यार बहुत भाई साहब, आपको बहुत प्रॉब्लम होता होगा। बहुत तकलीफ होती है कैसा? दोनों दो के दोनों? हाँ वही तो, दोनों को नहीं दिखता। अंदाज से कर लेती वो, धीरे धीरे करती। अच्छा, जैसे कि तुम्हारा जैसे जल्दी जल्दी होता। हाँ हाँ, वैसा नहीं होता। अच्छा, मतलब होता है लेकिन बहुत स्लो होता, बहुत है। स्लो होता है। और लड़की को कैसे संभालते हैं आप लोग? नहीं, लड़की को संभालते पूरे तो अभी कैसा, जब वो छोटी थी। हाँ, अब मेरी मम्मी वगैरह थी ना। हाँ, अच्छा मम्मी है आपकी? हाँ। पिताजी? वो नहीं, गुजर गए। अच्छा, वो गुजर गए। होता है भैया, तो मैंने आपको देखा उधर से कि आप अकेले यहाँ बैठे हैं, कोई है नहीं। हाँ वही तो है भैया, क्या करें।
दिन निकल निकलना है हाँ। दिन निकलने के बाद चला जाऊंगा बाहर। अच्छा अभी कोई मिलता नहीं ना। हाँ हाँ 10 रुपये की चाय है। हाँ हाँ चाय वाला है। ए भाई साहब चाय वाले चाय पिलाओगे? आ जाओ इधर, दो चाय दे दो। हाँ जल्दी आ जाओ, ट्रेन जाने वाली है। थोड़ा सा छोटा मोटा प्रोग्राम करता मैं, शादी में प्रोग्राम वगैरह करता मैं वैसे। अच्छा अच्छा ग्रुप है थोड़ा और किसको? अच्छा ऑर्केस्ट्रा ग्रुप है। हाँ जी जी। आप गाना भी गाते हैं? हाँ गाना बजाना सब कुछ। थोड़ा हमको सुनाएंगे? जी 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 तो सुनाइए, मजा आ जाएगा। पहले पैसा आप चाय ले लो। अरे यार बच गया, थोड़ा सुनाइए हमको भी। कौन सी पसंद है आपको गाने? पुराने या कोई भी जो आपको अच्छा लगे। थोड़ा सा बताता हूँ मैं। हाँ हाँ चलेगा। हाँ हाँ आपकी वजह से हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ। सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे, तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। लेकिन म्यूजिक के साथ नहीं क्या? नहीं नहीं फिर भी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया है, ऊपर वाले ने आवाज़ अच्छा दिया। आप चांस दो या छोटा मोटा प्रोग्राम का? आप हम तो रहते हैं बॉम्बे में तो आ सकते हैं। अच्छा आ सकते हैं वहाँ पे? अच्छा ट्रेन से निकले। हाँ चलिए, तो कैसे कॉन्टेक्ट होगा आपसे? नंबर देता ना मैं आपको। अच्छा नंबर दे दो, कभी जरूरत पड़ी तो हम आपको जरूर बुलाएंगे। बिल्कुल नंबर देता मैं। हाँ ऐसा भी छोटा प्रोग्राम तुम्हारे लिए तो सौदा भी नहीं करेंगे ना रेट। नहीं नहीं सौदा के नहीं, हम तो खुशी से दे देंगे बस, तुम्हारे तुम्हारे जैसे तुम दे दे। चलिए भाई साहब। भाई साहब गिरा आपका किला। अब
अभी मैं हूँ इस समय इटारसी जंक्शन पे। इसका जो स्टेशन कोड है वो है ET। तो हम अभी हैं MP में, अभी जस्ट मुंबई वाराणसी पहुंची है इटारसी जंक्शन पे। तो हमने अभी तक लगभग 750 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट किया हुआ है मुंबई से यानी LTT से इटारसी तक। यहाँ पे लगभग पर डे 300 से अधिक ट्रेनें यहाँ से गुजरती है और यह भारत का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। और इसके पहले आया था खंडवा जंक्शन 8:17 पे, और उस समय मैं सो रहा था तो वो खंडवा जंक्शन को मैं नहीं दिखा पाया क्योंकि रात भर नींद नहीं आई थी, तो सुबह मैं सो रहा था। तो चलिए चलते हैं ट्रेन के अंदर और फिर मिलते हैं आपसे। अच्छा थोड़ा और डाल दो, मसाला डाल दो उसके अंदर सफाई करने के लिए, खाली रगड़ रहे हो पानी डाल के। यहाँ पे इसका 10 मिनट का हाल्ट है बट आज यह लगभग 15 मिनट लेट पहुँची है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। तो जबलपुर जंक्शन जबलपुर सिटी में है जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में है। यहाँ पे लगभग पर डे लगभग 1,00,000 पैसेंजर यहाँ से ट्रेवल करते हैं। और अगर यहाँ के ट्रैक की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग 10 ट्रैक है और 6 प्लेटफॉर्म है और साफ सफाई भी यहाँ पर अच्छा है, आप देख सकते हैं। लगभग 1,060 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके अभी मुंबई वाराणसी एक्सप्रेस पहुंची है कटनी जंक्शन पे। इसका जो स्टेशन कोड है वो है KTE। यहाँ पे यह ट्रेन 3:50 पे आती है और 3:55 पे यहाँ से छूटती है। तो यहाँ पे यह लगभग 5 मिनट रुकती है कटनी जंक्शन पे। लगभग 342 पैसेंजर ट्रेन और 300 मालगाड़ी यहाँ से डेली
क्रॉस करती है। इस क्षेत्र पे ज़्यादा लोड बढ़ रहा था तो उसको कम करने के लिए यहाँ पे दो क्षेत्र बनाया गया है, एक कटनी साउथ और एक कटनी मुंडवारा। अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो यह पूरे एमपी का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, यानी जंक्शन है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पहुंचा हूं सतना स्टेशन पे। इसका जो स्टेशन कोड है वो है STA। यहाँ पर यह ट्रेन 5:55 पे आती है और लगभग 6 बजे यहाँ से छूटती है। तो यहाँ पे इसका 5 मिनट का हाल्ट है। आप देख सकते हैं 3 प्लेटफार्म है और 6 रेलवे ट्रैक है। तो हमने मुंबई से सतना तक लगभग 1164 किलोमीटर की जर्नी कम्प्लीट किया हुआ है। पे लगभग 300 ट्रेन यहाँ से डेली गुजरती है। तो ये रहा सतना रेलवे स्टेशन। चलिए चलते हैं ट्रेन के अंदर और हम आपसे मिलते हैं किसी दूसरे स्टेशन पे। तो फ्रेंड्स, ये रहा मुंबई बनारस एक्सप्रेस जिस ट्रेन से हम जा रहे हैं, और ये मेरे सामने बनारस एक्सप्रेस जो है बनारस से आ रही है। मानिकपुर रेलवे स्टेशन पे इसका जो स्टेशन कोड है MKP। यहाँ पे यह ट्रेन 7:22 पे आती है और 7:22 पे यहाँ से यह छूटती है। तो यहाँ पे इसका सिर्फ 2 मिनट का ही हाल्ट है। और इस समय आप देख सकते हैं स्टेशन का क्या हालत है। शायद यहाँ पे पूरा मरम्मत हो रहा है पूरा प्लेटफॉर्म का, इसलिए पूरा खुदाई हुआ है। देख रहे हैं पूरा, ये शायद पूरा दोनों तरफ पूरा खुदाई हुआ है स्टेशन पर। तो यहाँ पर यह ट्रेन 2 मिनट रुकती है। तो अभी हम UP में पहुँच चुके हैं। यह मणिपुर रेलवे स्टेशन है, यह आता है उत्तर प्रदेश में, और सतना जो था वो था MP में। तो हम अभी हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का जो एक मौसम होता है वो यहाँ आने के बाद वो फील होना चालू हो गया है। तो मणिपुर का डायरेक्ट यह ट्रेन रुकेगी इलाहाबाद यानी प्रयागराज चूंकी। तो लगभग 1222 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके हम अभी पहुँचे हैं मणिपुर जंक्शन पे, या एक जंक्शन है। और आज यह ट्रेन लगभग 20 मिनट लेट है इस स्टेशन पे। ट्रेन ने हॉर्न दे दिया है तो चलिए चलते हैं ट्रेन में, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। और हम आपसे मिलते हैं प्रयागराज जंक्शन पे। लगभग 1334 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके 12167 यानी मुंबई वाराणसी एक्सप्रेस प्रयागराज चूंकी स्टेशन पे पहुंच चुकी है। तो हमने अभी मुंबई से यहां तक लगभग 1334 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट किया हुआ है। इस स्टेशन का जो स्टेशन कोड है वो है PCOI। यहां पे यह ट्रेन 9:10 पे पहुंचती है और 9:12 पे यहाँ से यह छूटती है। तो यहाँ पे इसका सिर्फ 2 मिनट का हाल्ट है, लेकिन आज यह ट्रेन लगभग 1 घंटे लेट है। प्रयागराज इसका अपना पुराना नाम था इलाहाबाद, वहाँ से यह लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर यह है। तो जो ट्रेन जबलपुर से मुगल सराय जाती है, इस ट्रेन को प्रयागराज न ले जाके इस रास्ते से बाईपास करके यहाँ से ट्रेन को लेके जाते हैं, क्योंकि प्रयागराज का जो लोड था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था, वहाँ पे बहुत सारे ट्रेन थे, तो उसका लोड कम करने के लिए इस स्टेशन को बनाया गया था।
काशी जंक्शन पे पहुंच चुका हूं, लगभग 1:25 का टाइम है, लेकिन आज लगभग आधा घंटा लेट है ये, तो जिसके कारण ये 2:02 पे पहुंची है। इसके आगे बनारस स्टेशन है जिसका पहले था मड़ुआडी, तो अभी ये ट्रेन मड़ुआडी यानी बनारस स्टेशन पे जा रही है और मैं अभी यहाँ वाराणसी जंक्शन पे ही उतर गया हूँ, जो कि यह मेन स्टेशन है बनारस का। तो चलिए चलते हैं।